लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। मुजफ्फरनगर ने सपा ने हरेंद्र मलिक को लोकसभा का टिकट दिया। टिकट मिलने के बाद हरेंद्र मलिक ने जी मीडिया से खास बातचीत की है। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और सभी पार्टियों ने अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। सपा ने जहां हरेंद्र मलिक पर दांव खेला है, मेरे साथ हरेंद्र मलिक मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं किन मुद्दों को लेकर वे चुनाव मैदान में जाएंगे और क्या योजनाएं चुनाव जीतने के बाद बनाएंगे। जी हरेंद्र जी, आपको सपा ने प्रत्याशी घोषित किया है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में जा रहे हैं आप? देखिए, पार्टी के मुद्दे तो बड़ा साफ है। पार्टी पिछड़ों की, दलितों की और अल्पसंख्यक अगड़े पीड़ित जो हैं, जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, छोटा व्यापारी है, कामगार है, कलमगार है, उन सबकी लड़ाई लड़ने का काम पार्टी करती है। अब तक जैन चौधरी भी समाजवादी के साथ थे और वे भाजपा के साथ चले गए, किस तरह का मुकाबला होगा अब? नहीं, जैन चौधरी जी का हमारा अलायंस था समाजवादी पार्टी का, अलायंस टूट गया और अलायंस हटने, यहाँ तो चुनाव तो भाजपा का है, यहाँ तो, यहाँ तो आदरणीय जैन चौधरी जी का मामला नहीं, ये तो मामला भाजपा वर्सेस हरेंद्र मलिक है, सपा है, तो यहाँ तो भाजपा की, हमारी बात करो। संजीव वालियान मौजूदा मंत्री हैं, किस तरह से चुनाव लड़ेंगे उनके सामने? मैंने कई मंत्री हारते देखे, हुकुम सिंह जी मंत्री रहते, वारे वीरेंद्र सिंह मंत्री ना बनता तो चुनाव ना हारता।